रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम टू आसिफ टेक प्रो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गैली बुलेट को गूगल ड्राइव के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। और इसको लिंक करने का फ़ायदा ये होगा कि अक्सर लोग अपनी गैली बुलेट में कुछ डेटा सेव रखते हैं और बाद को उनसे डिलीट हो जाता है, या लॉन्ग टर्म के लिए डेटा सेव करना चाहते हैं और बाद को वो या फिर गैली बुलेट का वन इंस्टॉल हो जाता है या अपनी डिवाइस चेंज करते हैं जिसकी मदद से उनका जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गूगल ड्राइव से कैसे लिंक कर सकते हैं और बैकअप का ऑप्शन कैसे इनेबल कर सकते हैं जिसकी मदद से आप बात को भी अपनी उस ईमेल को इस्तेमाल करते हुए अपने गैली बुलेट का जो डेटा है वो वापस रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि गैली बुलेट में आप यानी कि गैली बुलेट को आप गूगल ड्राइव से कैसे लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल आसिफ टेक प्रो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या इस पर नए हैं तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको नए से नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और साथ ही वीडियो को लाजमी लाइक कर दे। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं ट्रिक की जनब। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा हमारा गैली बुलेट, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं जो अपना पासवर्ड है वो ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस पासवर्ड को ड्रा करने के बाद आपने ये करना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एक आदमी का, ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद क्लाउड सोनिक पर क्लिक करना है। तो ये क्लाउड सोनिक का ऑप्शन यानी कि आपके जो डेटा है वो महफूज रखेगा, जो भी आप यहाँ पर सेव रखेंगे ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके आपकी गूगल ड्राइव में सेव रखेगा। ठीक है, बाद को जब भी आपसे ये अप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए या आपका अगर डिवाइस चेंज हो जाए आपकी या आपका डेटा के किसी तरीके से किसी बहाने से अगर डिलीट हो जाए तो इसकी मदद से आप रिकवर कर पाएंगे बात को। ठीक है, तो आपने ये करना है, यहाँ उसके बाद आपने इनेबल क्लाउड पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना ईमेल नंबर ईमेल अपना टाइप कर लेना है। ठीक है, मैंने एक फेक ईमेल बनाया है यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है, उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पर आपने क्लिक करना है। तो सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करने के बाद आपने वापस बैक में चला जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जीमेल ओपन कर लेना है, जो जीमेल आपने वहाँ पर इंटर किया है उसको जीमेल को आपने ओपन करना है, लॉगिन करना है और उसके बाद वहाँ पर एक कोड आया होगा थिंक ये कि नाम से, तो वो आपने वहाँ से कोड ये कॉपी कर लेना। जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया है उसके बाद वापस मैं बैक चला जाता हूँ और वापस अपने जो गैलरी है उसको ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर गैलरी को ओपन करने के बाद वापस मैं वही प्रोसेस करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करूँगा और उसके बाद क्लाउड सोनी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर इनेबल क्लाउड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करूँगा। तो पहले से ही हमारा वेरिफिकेशन कोड हमें मिल चुका है, हमने कॉपी करके रखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा कोड पेस्ट हो चुका है और मैं लॉग इन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा वेरीफाई होने के लिए, तो ये हो गया है तकरीबन स्टार्ट क्लाउड सोनिक। तो उसके बाद यहाँ पर लिंक गूगल ड्राइव यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल दिया है उसको सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तकरीबन इनेबल हो चुका है, मैं वापस बैक चला जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो तकरीबन ऑन हो चुका है। मैं यहाँ पर वापस चला जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोसेस है वो जारी हो चुका है, ये देख सकते हैं हमारा जो सब कुछ है वो सोनिक इनेबल हो रहा है। यानी कि अभी इसके बाद आप जब भी यहाँ पर जो भी डेटा आप सेव रखेंगे पिक्चर्स वीडियोस वगैरह जो आपसे अगर डिलीट हो जाती हैं तो आप यही जो ईमेल आपने डाला हुआ है यहाँ पर आपको शो करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईमेल आपने डाला हुआ ये लिंक किया हुआ, तो ये इस यही ईमेल आपने वापस इसी तरीके से पुट करना है, यहाँ पर इंटर करना है। तो वो आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, तो उसके बाद ये आपका डेटा है वो वापस रिकवर हो जाएगा ईजिली। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही बताना जा रहा था कि आप अपने गैली बुलेट को गूगल ड्राइव के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, यानी बैकअप ऑप्शन को कैसे इनेबल कर सकते हैं, यही इसका बैकअप ऑप्शन है। तो अगर कोई मसला परेशानी होता आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।